देखिए 2016 से आज तक भारतीय जनता पार्टी का 2023 कार्यकर्ता का निधन हो गया, उसको क्रूरता पूर्वक उसको मार दिया गया। हमारा 50 से अधिक महिला कार्यकर्ता को सामूहिक बलात्कार का शिकार होना पड़ा। वहाँ स्टेट पे अभी कोर्ट डायरेक्टेड एंड कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी चल रहा है, पुलिस उसका कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जितना सारे साक्षी है उसको हॉस्टाइल बना रहा है, एक आतंकी आबो वातावरण उधर पैदा कर दिया उन्होंने। तो ऐसे ही चल रहा है पश्चिम बंगाल में। आज लोग रस्ते पे उतारा है, आज किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता के हाथ में इस पूरा जो आक्रोश ये बागडोर वो नहीं है। आज जनता रास्ते पे उतर रहे है, सबका कहना है वी वांट जस्टिस। ऐसा स्थिति से निकलना चाहिए पश्चिम बंगाल को। देखिए ममता बनर्जी का पुलिस को जो टाइम मिला उस टाइम से वो सारे सबूतों को मिटा दिया। वो लड़की का ऑटोप्सी हुआ, ऑटोप्सी किया कौन, उसी का जो डॉक्टर्स है, जो लोग कलकत्ता का सबसे प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में कुत्ता का डायलिसिस किया वही लोग ऑटोप्सी किया। तो सारे मेडिकल एविडेंसेस गायब। जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस था, जिस बाथरूम में उस छोकरी को मारा गया उसी बाथरूम को तोड़ताड़ दिया, पूरा जगह ध्वस्त कर दिया। तो दे हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द एविडेंसेस। तो उसका बाद अभी सीबीआई को क्या मिल सकते हैं, अभी उसका तुरंत फांसी देने से क्या होता, कोई अकेला काम तो नहीं है। हर कोई आज बोल रहा है किसी अकेला व्यक्ति से इतना बड़ा घटना को अंजाम देना संभव नहीं था। तो इसलिए जो लोग उसका साथ थे उसका नाम सामने नहीं चला है, तो उसको जल्दी से उसको फांसी दे दो।